दिल्ली में कोरोना जब पीक पर था तब अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत के दौरान कुछ लोगों ने अपने दम पर छोटे छोटे कोविड केयर सेंटर बनाए। दूसरी लहर खत्म हो चुकी है, तीसरी लहर की तैयारी में सरकार जुटी हुई है, पर कोई सहायता नहीं मिलने की वजह से तीसरी लहर आने से पहले ही अब ये छोटे छोटे कोविड केयर सेंटर बंद होने लगे हैं। ऐसे में एक कोविड केयर सेंटर के बारे में मुखर्जी नगर से देखिए विश्वजीत झा की ये रिपोर्ट। दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना पीक पर था तो दिल्ली के कई इलाकों में लोगों ने अपने दम पर मिनी अस्पताल बनाए, इस तरह के कोविड केयर सेंटर बनाए। इस वक्त मैं SFS फ्लैट में हूँ मुखर्जी नगर इलाके में, और ये देखिए कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया था और ये करीब महीने भर से ज़्यादा वक्त तक चलाया भी गया, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि एक तो यहाँ पर मरीज नहीं आ रहे थे और दूसरी बात कि इसे चलाने का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो लोगों ने तय किया कि इसे फिलहाल बंद किया जाए। लेकिन एक तरफ जब कोरोना के तीसरे लहर की तैयारी चल रही है तो उस वक्त जब इस तरह के छोटे छोटे मिनी अस्पताल की ज़रूरत थी, जब ये डिस्पर्स होंगे तो फिर आगे की तैयारी कैसे होगी। देखिए यहाँ पर ये कोविड केयर सेंटर था, यहाँ पर बाकायदा पूरी व्यवस्था थी, यहाँ पर जो पहले मरीज यहीं पर आते थे, यहीं पर स्क्रीनिंग होती थी, फिर आगे अगर उनको ज़रूरत है एडमिट करने की तो उनको आगे भेजा जाता था। इस तरह की सूचनाएं भी यहाँ पर लगाई गई और यहाँ पर जब सब कुछ चूँकि कोई सहायता कहीं से नहीं मिली तो फिर ये तमाम जो बेड वगैरह थे ये सब अब देख सकते हैं कि इसे खोल दिया गया है, खोलकर यहाँ पर इसे रखा गया है। और ये देखिए ये सारे बेड रखे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। यहाँ पर काफ़ी जो खास तौर से सोसाइटी के लोग थे उनको इसका काफ़ी फायदा हुआ। यहाँ पर हमारे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी, आप इसी सोसाइटी के हैं, आप लोगों ने क्या सोच के ये तैयार किया था और ये बंद क्यों कर दिया फिर? सर, बंद इसलिए किया है कि जिनका फ्लैट था उनको हमें देना था और 20 दिन से बहुत कम केस हो गए थे, इस कारण हमें थोड़ा इसको डिसमेंटल करना पड़ा। अच्छा। पर थर्ड वेव के लिए हमें कोई ज़मीन मिल जाए, कोई पक्का स्ट्रक्चर मिल जाए तो हम सारा सेटअप दोबारा से कर सकते हैं। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर्स और पूरी सोसाइटी की हमेशा मदद रहती है तन मन धन से। तो ये कितना कारगर रहा ये आप लोगों का जो ये था यहाँ पर? सर, ये इतना कारगर रहा कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर एक कोरोना सेंटर है, इस सेंटर के नाम से लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अच्छा। और किसी का 80 आता था और उसको हम ऑक्सीजन देते थे तो तुरंत वो 90-95 पहुंच जाता था कॉन्फिडेंस के कारण। अच्छा। तो इससे बहुत मदद लोगों को मिली और बहुत राहत मिली इससे। और यहाँ पर आसपास के लोग आ रहे थे? सर, मोहल्ले के आ रहे थे, हम उनको ऑक्सीजन देते थे, स्टैब्लिश करते थे, उसके बाद में बड़े हॉस्पिटल में वो ट्रांसफर ले लिया करते थे। अच्छा। इससे बहुतों की मौतें नहीं हुई, नहीं तो वो आदमी दहशत से ही मर जाता। तो फिर मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि अब तो थर्ड वेव की तैयारी चल रही है, सरकार जगह जगह ICU बेड लगवा रही है, अस्थायी अस्पताल बनवा रही है और कह रही है कि और भी ज्यादा बेड की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप लोग तैयार है उसके लिए? लगता है सर हम तैयार नहीं है। सरकार हमें कोई जमीन दे दे, कोई टेंट बना के दे दे तो हम सारी सुविधाएं वहां पे उसमें लगा सकते हैं। ये बहुत जरूरी, सरकार जब तक हमें मदद नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो हम अपनी कोशिश के कारण ही सब कुछ कर सके हैं। और ये अभी महीने डेढ़ महीने के लिए, थर्ड वेव कितनी बड़ी आएगी कैसे आएगी, जब तक सरकार से मदद नहीं मिलेगी हम कुछ नहीं कर सकते। कब से कब तक चलाया आपने इसे? ये हमने चलाया जी 1.5 महीना चलाया पूरा। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था रखी थी? या हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ऑक्सोमीटर था, आपके बेड्स थे सारे, डॉक्टर साहब थे, सारी दवाइयाँ थी, हर चीज सामान थी, फर्स्ट एड हम दिया करते थे, उसके बाद में वो रिलीज कर दिया करते थे हम। RWA के तहत दिल्ली में काफी ज्यादा नहीं बने लेकिन कई गैर सरकारी संगठनों ने इस तरह के मिनी अस्पताल बनाए और वहाँ पर लोगों को काफ़ी सेवाएं दी। लेकिन अब यही कहा जा रहा है कि अगर सरकार को तीसरी वेव की वाकई तैयारी करनी है तो इस तरह के माइक्रो लेवल पर भी इंतज़ाम करने होंगे ताकि स्थानीय लोगों को ज़्यादा दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े और प्राइमरी इलाज कम से कम अगर ज़रूरत समझे बेड के हिसाब से भी तो उन्हें यहीं पर उनके घर के करीब ही उपलब्ध हो जाए। मुखर्जी नगर से कैमरा पर्सन अतुल नेगी के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।